मेरी पहली फिल्म है, मैं स्कूल से भागकर शूटिंग देखने जाता था ईस्टर्न स्टूडियो में, और जैसे अभी उमर साहब ने कहा है कि वहाँ हमें घुसने की इजाजत नहीं होती थी, जाने की इजाजत नहीं होती थी, तो दीवार पे चढ़ के हम शूटिंग देखते थे। तो वहाँ पे एक दिन मैं शूटिंग देख रहा था, तीन चार दोस्त थे और वो एक बंदा अंदर से आया, वो कास्टिंग डायरेक्टर था, वो कहता कि इधर रुको बेटा, इधर रुको, फिल्म में काम कर रहे हैं। हमने कहा हाँ, तो कहने का आओ मेरे साथ चलो। तो हमने कहा नहीं, मेरे अपने दोस्त को कहा इसके साथ मत जाना, ये अंदर जाके मारेंगे और तुम इसके साथ। वो कहता नहीं नहीं वाकई काम है। तो हम डरते डरते अंदर चले गए, तो वो बंदा जाके हमें एक डायरेक्टर के पास ले गया, वो ऐसे कुर्सी पे बैठे हुए थे। तो कहने लगे ये फिल्म के डायरेक्टर हैं, इसका नाम, इनका नाम है शेख हसन। अच्छा। और ये फिल्म बना रहे हैं जाग उठा इंसान, उसमें मोहम्मद अली साहब हैं, जेबा है और वही मुराद साहब है। तो वो हमने कहा फिर, तो कहने लगा चलो बस डायरेक्टर को जाके बताया कि ये लड़के आए हैं। बोला अच्छा ठीक है, इनको जीपों में डालो और चलो मंगो पीर। और वो जीपों में डाला और मंगो पीर ले गए। तो वहां पर शूटिंग का सारा बंदोबस्त हुआ हुआ था और हम उतरे तीन चार लड़के, तो डायरेक्टर ने कहा भाई जल्दी से इनको कपड़े चेंज करवाओ और ऊंटों पे बिठा दो। तो वो पिक्चर के अंदर एक काफला जा रहा है और वो काफला एक गांव से दूसरे गांव जा रहा है, और वहां के जो विलेन है उन्होंने क्या किया है, उन्होंने उस गांव के सारे मर्द मार दिए हैं। और वो काफला जो है वो अली साहब एक मसीहा बन के आए हैं और वो काफला एक गांव से दूसरे गांव लेके जा रहे हैं, ठीक है जी। और वो और वो वहां 15-20 ऊंट थे। अब वो क्या हुआ, जब मैं पहुंचा ना तो हर ऊंट पे एक लड़की को बिठाया हुआ, ठीक है। तो कुछ दो चार ऊंट ऐसे थे कि वो यार जल्दी जल्दी ड्रेस चेंज करो। मैं खुश था, दो चार ऊंट सही किस्म के नहीं, नहीं सही थे। मेरा कहने का मतलब है कि वो एक ऊंट पे एक लड़की अच्छी खूबसूरत बैठी हुई थी, उसके पीछे मुझे बिठा दिया। अब जब बिठा दिया तो एक दो दफा रिहर्सल हुई उस सीन की। अब वो रिहर्सल हो रही है, ऊंट ऐसे जा रहा है, ये कैमरा लगा हुआ, हम देख रहे हैं कि यार ये तो अब कल को स्क्रीन पे आएंगे, ये तो कमाल हो गया। अब ये ऐसे करके वापस आए। अब डायरेक्टर ने और अली साहब वहां पे गन लेके बैठे हुए थे। डायरेक्टर साहब ने कहा हाँ जी अब टेक होगी। उन्होंने कहा रोल कैमरा एक्शन। अब वो ऊंट जब चलने लगे तो वो कास्टिंग डायरेक्टर, सॉरी, जब ऊंट चलता है तो रिहर्सल तो हो ही जाती है। तो वो जब चलने लगे तो कास्टिंग डायरेक्टर भागा भागा आया और जितने चार पांच लड़के बैठे थे उनको कहा कि ये जो दुपट्टे हैं ये सर पे ले लो। हमने कहा दुपट्टे सर पे ले ले इसका क्या मतलब है। कहता लो यार चलो जल्दी करो टाइम नहीं है। तो हमने दुपट्टा ले लिया। दोबारा से बताएं क्या बोला उसने। दुपट्टा ले बोले कम नहीं क्या बोला क्या नहीं। उन्होंने कहा दुपट्टा ओढ़ लो। हमने कहा दुपट्टा ओढ़ लो, लो बाद में। मैंने कहा वजह तो बताओ बाद में बताएंगे। अच्छा हमने ओढ़ लिया। अब जो लड़की आगे बैठी है उसने भी ओढ़ा हुआ है और जो पीछे मैं बैठा हुआ उसने भी ओढ़ लिया। अब जो काफला गुजरा है तो कैमरा ये तो मैं अंदर से देख रहा हूँ तो हमारी तो शक्ल ही नहीं आ रही। और वो ऊंट गुजर गया। अब हम हैरान परेशान के यार फिल्म में तो काम मिल गया। मैं उतरा और हमने वो तीनों चारों लड़के वो कास्टिंग डायरेक्टर के पास गए। मैंने कहा भाई ये क्या है। कहता बात दरअसल ये है, ये फिल्म की कहानी है, ऐसे ऐसे विलेन ने वो सारे मर्द मार दिए हैं, हमारे पास औरतें कम थी तो इसलिए आपको औरत बना। तो आपने मारा नहीं पकड़ के उसको। छोटी उम्र का था ना तो।